वेलकम बैक। जैसा आपने थंबनेल में तो देख ही लिया है कि आज मैं आपको फैट परसेंट के बारे में नॉलेज देने वाला हूं कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में या हेल्दी बॉडी में कितना फैट परसेंट होना चाहिए। मैं आपको बताने वाला हूं मेल में कितना बॉडी फैट परसेंट होना चाहिए और फीमेल में कितना होना चाहिए, व्हाट WHO सेज। सो स्टार्ट करता हूं और मैं आज आपको मेरा बॉडी फैट परसेंट कैमरे में निकाल के दिखाऊंगा कि कितना है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। WHO के हिसाब से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से मेल बॉडी फैट परसेंट, फीमेल पे भी आऊंगा, मेल बॉडी फैट परसेंट शुड बी 12% to 18%, 12% से 18% के बीच में बॉडी फैट परसेंट होना चाहिए। अच्छा, फैट क्यों बॉडी में जरूरी है? फैट आपका एनर्जी सेविंग एनर्जी सोर्स है, जो आपका स्टोर्ड एनर्जी है वो है, तो बॉडी में फैट परसेंट होना इसलिए जरूरी है। मैं यहां फिट लोगों की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बॉडी बिल्डर्स एंड अदर पीपल, पर जो फिट होते हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो फिटनेस में आपका बॉडी फैट परसेंट मेल का 12% to 18% होना चाहिए, वही बॉडी फैट परसेंट फीमेल का 18% to 24% होना चाहिए। अगर आपका फैट परसेंट इसके बीच में है तो देखिए, कई बार लोग बोलते हैं कि मैं ओवरवेट हूं, पर ओवरवेट के साथ साथ आपको ये चेक करना है, जैसे कि अभी मेरा वेट है 85 kgs, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं ओवरवेट हूं। ये पता चलेगा हमको BMI मशीन में, क्योंकि वो आपकी बॉडी के मस्क्यूलर सिस्टम को भी कैलकुलेट करता है कि आपकी बॉडी में फैट है या मसल्स है। हालांकि ये मशीन बहुत सिंपल है, बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में, गूगल पे, अमेजोन पे और हमारे सेंटर्स पे भी ये मशीन होती है, जिससे हम रेगुलरली एवरी मंथ हमारे सारे स्टूडेंट्स का सारे ब्रांचेस पे BMI चेक करते हैं, बॉडी फैट परसेंट चेक करते हैं, उनकी बॉडी में क्या इंप्रूवमेंट आया पिछले एक महीने के वर्कआउट से वो चेक करते हैं। एनीवेज, सो अभी मैं चेक करता हूं मेरा और फिर वापस गेट बैक करता हूं वीडियो में। तो फ्रेंड्स आप अभी देख सकते हैं आपके कैमरे पे कि हाइट लिखा हुआ है, वेट लिखा हुआ है, एज लिखा हुआ है और जेंडर लिखा हुआ है। मैंने सब सेट कर लिया, जैसे मेरा हाइट 181 सेंटीमीटर है तो मैंने इसमें सब फीड कर दिया। अब मैं स्टार्ट का बटन दबाऊंगा ये जो है, और स्टार्ट के बटन के बाद में मैं इसको होल्ड करूंगा, 2 से 3 सेकंड में ये मुझे मेरा बॉडी फैट परसेंट दिखा देगा। तो ये मैं आप लोगों के सामने ही स्टार्ट का बटन दबाया हूँ और होल्ड करना है इसको। देखिए होल्ड किया है, इसमें ऊपर बॉडी टाइप भी दिखाता है और साथ ही साथ ये मेरा बॉडी फैट परसेंट भी दिखाएगा। अभी आ गया है जैसा मैंने कहा कि कुछ ही सेकंड्स में। तो देखिए मेरा फैट परसेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फैट परसेंट 14.5 है, जो कि अच्छा है। जैसा मैंने वीडियो में पहले भी बताया कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का, फिट ह्यूमन बीइंग का 12% to 18% होना चाहिए। बॉडी टाइप जो है मेरा वो मस्क्यूलर दिखा रहा है, अगर आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ मस्क्यूलर। BMI जो है 25.8, दैट इज फाइन, और BMR जो है वो 1796, विच इज अगेन गुड। पर जैसा मैंने कहा कि यहाँ हम सिर्फ बात करेंगे फैट परसेंट की, तो ये फैट परसेंट निकालने का तरीका था। ऐसे आप इसका एक थ्योरिटिकल फॉर्मूला भी होता है, पर एनीवेज ये मशीन बहुत ईजीली है और कोई भी फिटनेस सेंटर्स और जिम्स में अवेलेबल होती है। तो वापस स्टार्ट करते हैं वीडियो पे फोकस। तो फ्रेंड्स वेलकम बैक। अब आप देख रहे होंगे मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मेरा फैट परसेंट भी मैंने काफी समय बाद चेक किया था, जो 14.7 आया, सो आई एम वेरी हैप्पी। एनीवेज वी वर टॉकिंग अबाउट कि आपकी बॉडी में कितना मसल का वेट है। देखिए अगर आपकी बॉडी, अभी मेरा हाइट के हिसाब से, अगर WHO के हिसाब से देखा जाए तो एग्जैक्ट मेरा 77 ही वेट होना चाहिए। अगर मैं 77 से ऊपर हूं तो 77 केजी से ऊपर हूं तो मैं फैट हूं, पर मेरी बॉडी जो मशीन है उसमें क्यों फैट परसेंट 14.7 आया इवन दो कि मेरा वेट 85 केजी से। द रीजन बिहाइंड इट कि मशीन कैलकुलेट्स योर मसल सिस्टम एज वेल, कि आपकी बॉडी मस्क्यूलर है वो मसल वेट है या फैट का वेट है, जिस पर मैं वीडियो पहले बना चुका हूं, वो देखिएगा जरूर ध्यान से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कि जहां आपको पता चलेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस लूजिंग योर फैट और लूजिंग योर मसल। सो यू शुड नेवर लूज योर मसल्स। बीच में फोन बज गया दोस्तों। एनीवेज तो ये आप, उम्मीद करता हूं ये जो नॉलेज है ये आपको पसंद आया हो। ये वो नॉलेज था जो हम सर्टिफिकेशन इंस्टीट्यूट में जब सर्टिफिकेशन की ट्रेनिंग देते हैं, जब डिस्कशन करते हैं। और मेरे आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन लोगों को वीडियो की जरूरत है उनके साथ में शेयर कर दीजिए, और मुझे आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं अपने आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन डालते रहता हूं। हमेशा की तरह मेरे वीडियोस को आकर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा आने वाले वीडियोस में
ओम चैंटिंग का एक वीडियो है जिस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, पर एक बार और मैं वीडियो आपको दूंगा। इस बार मैं आपको ओम चैंटिंग के 10 बेनिफिट्स बताने वाला हूं जो आप घर बैठकर जिसका बेनिफिट उठा सकते हैं और साथ ही साथ वेट लॉस और अपने माइंड को स्ट्रांग कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक।